दर्शकों, फेस न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम आपके मुलाकात करा रहे हैं 30 मिनट्स मूवी की बहुत टैलेंटेड स्टार कास्ट से, जिसमें हमारे साथ मौजूद हैं हितेन पेंटल, हर्षिता भट्ट और अनुजा। आप सभी का स्वागत है फेस न्यूज़ में जी। सबसे पहले आपसे जो है शुरुआत करते हैं, किस तरह के आपके सॉन्ग और कैसा एक्सपीरियंस रहा? मेरे इसमें दो सॉन्ग्स हैं, एक आइटम सॉन्ग और एक रोमांटिक है, जो कुणाल गांजावाला के साथ गाए हैं। और सबसे बड़ी बात है, इस फिल्म में सभी बड़े बड़े सिंगर्स हैं, लाइक आशा जी, जावेद अली, एंड उसमें मैं हूँ, इसलिए मुझे और खुशी है इस बात की कि मैंने उन सबों के साथ गाया है। तो रोमांटिक एंड आइटम दो मेरे गाने हैं जो श्रोता एंड दर्शक देखेंगे और सुनेंगे भी। चाहेंगे इसके दो बोल जो है दर्शकों को। रोमांटिक सॉन्ग मैं गुनगुना देती हूँ थोड़ा सा। जादू सा छाया दिल तुझ पे आया, जादू सा छाया दिल तुझ पे आया, हुआ खुद से पराया, दिल खो गया, हाय दिल ये मेरा कहीं खो गया, दिल खो गया, दिल खो गया, लगता है मेरा दिल खो गया। हृषिता, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह का किरदार है आपका इसमें और कितना एंजॉय किया? वेल, ये जो कहानी है 30 मिनट्स थ्रिलर है, और इस कहानी में ऐसा है कि जो मेरे किरदार का नाम है शिवांगी, और मैं एक ऐसे लड़के के साथ प्यार कर बैठती हूँ जो मैं ज़्यादा नहीं अभी बताना चाहूँगी, बट ही हैज़ शेड्स ऑफ ग्रे। तो अचानक से आपको अगर पता लगता है कि कोई अगर थोड़ा सा इज़ अ शेडेड पर्सन एंड यू डोंट नो द ट्रूथ, ना आपको पता है तो और ना उसे पता है कहीं ना कहीं एक्चुअली देखने जाए तो ऐसा भी हो जाता है कि For me in the film, for this character, it becomes a matter of her life and death. और फिर क्या होता है, आप ज़रूर फिल्म देखिएगा, एंड आपको कभी ऐसे भी लगेगा कि शायद दो रिश्ता है या दो शिवांगी है, पर एक है, पर एक है, पर दो है, ऐसे थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन थोड़ा सा हमने छोड़ा है। बट एट द सेम टाइम मैं ज़रूर दर्शकों को कहना चाहूँगी कि थ्रिलर है, बहुत कम थ्रिलर्स बनती हैं, एंड एजी फास्ट पेस्ड थ्रिलर्स बनाना डिफ़िकल्ट भी है। सो आई थिंक कहानी वाइज मुझे बहुत दिस इज़ समथिंग विच इंट्रीग्ड मी टू डू एज एन एक्टर। आपसे जानना चाहेंगे क्या किरदार है और कितना एंजॉय किया है, फादर भी आपके साथ हैं इसमें और मशहूर जो है एक्टर हैं वो। जी, मेरे कैरेक्टर का नाम शशांक है और एक सिंपल सा लड़का है, लेकिन उसके फादर ने, जो मेरे फादर का फादर प्ले कर रहे हैं, उन्होंने बहुत टॉर्चर किया इस लड़के को, टाइम की अहमियत को लेकर हमेशा कहा है कि क्योंकि उनकी लाइफ में एक इंसिडेंट होता है जिसकी वजह से वो उनका प्रेशर है और वो चाहते हैं कि उनका बेटा भी टाइम की वैल्यू को समझे। उनका इनफैक्ट एक डायलॉग है फिल्म में जो कहते हैं कि एक पल में ज़िंदगी बदल जाती है, विच इज़ अ रियलिटी अगर देखा जाए तो बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, अच्छा भी है, ग्रे भी है। तो लाइक हृषिता ऑल्सो सेड, ज़्यादा नहीं हम रिवील करना चाहते हैं क्योंकि वो एक जो मज़ा है फिल्म का वो निकल जाएगा। बहुत मज़ा है डैड के साथ काम करके, फर्स्ट टाइम हम लोग फादर एंड सन का रोल कर रहे हैं, स्क्रीन पर साथ में आ रहे हैं, बहुत मज़ा है। हम लोग हंसी मजाक भी बहुत करते हैं, हम वैसे ही कॉमेडी तो हमारे जीन्स में है ही, तो हम सेट पर भी मस्ती करते थे, बट जैसे ही कैमरा ऑन होता था हम दोनों अपने कैरेक्टर्स में अलग से हो जाते थे। तो बहुत मज़ा है, बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म है। सेट पर और जो है किस तरह के अनुभव मिले हैं डैड से, जैसे कुछ खास यादगार पल कोई ऐसे हों? हमारा, हम जब भी साथ होते हैं, भले वो शूट कर रहे हैं या हम साथ में, हमने तो कभी किया नहीं शूट साथ में, लेकिन जब साथ में थे तो हम, मतलब हम दोनों की एक थोड़ी सी बुरी आदत है, हम किसी को छोड़ते नहीं, उनकी खिंचाई बहुत करते हैं। तो डैड और मैं बैठ के जो भी रूम में आ जाता था, हमारे डायरेक्टर भी जा रहे यशोदा जी को, हमने टांग खींच खींच के ऑलमोस्ट उनकी रोने जैसी शक्ल कर दी थी। तो हम लोग की ये किए और हमको बोलने की जरूरत नहीं कि डैड आज इसकी खिंचाई करते हैं, वो एक दूसरे को देख लिया हमने, हमको पता है कि अच्छा है ये टारगेट मिल गया हमको, चलो इसको पकड़ो। रिश्ता, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे आप काफ़ी बड़े बड़े बैनर के साथ, काफ़ी बड़े स्टार कास्ट के साथ भी काम कर चुकी हैं, तो इस 30 मिनट्स मूवी में जो है काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा और कैसे चयन हुआ आपका इस किरदार के? वैसे जब कहानी सुनाई गई थी तब ऑनेस्टली मैंने इस फिल्म को सुन के ही हाँ तो कर ही दिया था, क्योंकि जब कहानी ऐसी होती है तो आपको यू लाइक बीइंग अ पार्ट ऑफ अ गुड स्टोरी, एंड स्पेशली थ्रिलर है इसलिए, और मैंने ऐसे शायद कम, आई डाउट इफ हैव डन एनी मेजर थ्रिलर, तो इसलिए मैंने उसको देखते हुए मैंने स्पेसिफिकली हाँ कहा, एंड ऑफ कोर्स वी हैव अ ग्रेट टीम,
एंड सबकी जो इधर यू नो मेहनत है, आई कुड सी इट फ्रॉम डे वन, जब से मैंने कहानी सुनी थी, एंड आई सेड येस डेफिनेटली, एंड आई थिंक हितेन इज़ ऑल्सो वंडरफुल एक्टर. एंड तो मेरे लिए बस 30 मिनट्स वॉज नॉट साइन इन 30 मिनट्स, बट या आई इमीडिएटली सेड येस टू इट. फिल्म की USP की बात की जाए तो क्या होगी, क्या आपको लगता है? रियलिटी बेस्ड फिल्म जिसमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है. और हम एक्चुअली यू नो जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं हम लोगों को बताते हैं, दर्शकों को बताते हैं हम लोग कि टाइम की अहमियत क्या है, वो हमको सुन के ना बहुत लाइट लगता है कि अच्छा टाइम की अहमियत है, चल यार 5 मिनट लेट हो तो क्या हुआ. ये फिल्म देखने के बाद आई एम श्योर कि बहुत लोग ऑन पर्पस ये ट्राई करेंगे कि वो टाइम पर हों, क्योंकि एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको हम बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं. मैं आपके टाइम को बहुत फॉर ग्रांटेड लेता हूँ, आप किसी और का टाइम को फॉर ग्रांटेड. तो ये USP है जो ये मैसेज शायद लोगों को हेल्प करेगा, हम चाहते हैं कि हेल्प करें. फिल्म बढ़िया होने के बाद भी जो है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी जो है नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, तो क्या कितने आश्वस्त हैं आप इस फिल्म के सफलता के लिए? वेल, हर फिल्म की सफलता के लिए हम होते हैं, हम उतनी एनर्जी डाल के चाहते हैं कि ये हो जाए. बट जैसे मैंने पहले भी कहा कि इंग्रेडिएंट्स बहुत सारे होते हैं, फ्रॉम म्यूजिक टू एक्टिंग टू डायरेक्शन टू अ लॉट ऑफ थिंग्स. तो हर एक को अपना काम करना चाहिए विद फुल फोकस एंड अटेंशन एंड एनर्जी, और उम्मीद हम यही करते हैं और करेंगे. एंड जब शुरू भी किया था इस पे काम करना तब भी वही रखा था. तो अब दर्शक जाके ज़रूर देखे इस फिल्म को, क्योंकि मुझे भरोसा है कि उनको पसंद ज़रूर आएगी. चाहेंगे अपने फिर दर्शकों के लिए, इन्होंने तो गाना सुनाई दिया अपने बोल के, आप दोनों जो है अपने अंदाज में जो है कोई भी दो बोल, हाँ कोई भी दोनों बोल, कोई दो बोल. नहीं नहीं, मैं तो सिंगर ही बन जाती, मुझे एक्टिंग कर लेने दो. जब मैं अपना एल्बम लॉन्च करूंगी हाँ तब मैं गाना गा लूंगी. आप गाइए. हाँ मैं लिप सिंग करती हूँ, एक्टिंग कर लेती हूँ वापस. हाँ हाँ गाओ. दिल तुझ पे आया हुआ खुद से पराया, दिल को गया, दिल को गया. बहुत खूब, बहुत खूब. चलते चलते हम जो है ये और जानना चाहेंगे, फिल्म रिलीज़ कब हो रही है, क्योंकि हमें जो है जी ये फिल्म 11 नवंबर को हो रही है, 11 नवंबर को 11:11. प्लीज़ ऑडियंस आप जाइएगा, ये फिल्म देखिए. हमारे लिए ये फिल्म इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमें पैसे कमाने से मतलब नहीं है, हम ये चाहते हैं कि इस प्रोडक्ट का, इस फिल्म का, इस स्टोरी की अप्रिसिएशन हो, ऑडियंसेस लाइक करें. और 11 नवंबर को प्लीज़ जाके देखिए 30 मिनट्स इन थिएटर्स ऑल ओवर इंडिया. आप सभी का शुक्रिया जो है फेस न्यूज़ से बात करने के लिए, और हम भी उम्मीद करते हैं कि दर्शकों की कसौटी पर फिल्म सफल हो और कसौटी पर खरी उतरे. तो देखा दर्शकों, ये थी हमारे साथ 30 मिनट्स की स्टार कास्ट. फेस न्यूज़ के लिए बिलाल अंसारी के साथ मैं आफाक खान समीर, दिल्ली. हितेन पटेल जी, पेंटर, ओके, हर्षिता भट्ट जी, और आपने अनुजा शंकर जी, सिंगर है मूवी, सिन्हा, ओके, अनुजा सिन्हा जी सिंगर है मूवी की. तो सबसे पहले हम हमारे स्टार से बात करेंगे. सर, इंट्रोडक्शन अपना और मूवी के बारे में. नमस्कार, मैं हितेन पेंटर, और ये फिल्म जो है 30 मिनट्स एक बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म है, क्योंकि ये टाइम को लेकर बनाई गई है कि टाइम की पंक्चुअलिटी और टाइम कितना ज़रूरी है हमारी लाइफ में, और हम कैसे लोगों का टाइम वेस्ट करते हैं और उनकी टाइम की वैल्यू नहीं रखते. इस फिल्म में मेरे फादर हैं मिस्टर पेंटल, और वो मेरे फादर प्ले करते हैं. तो फर्स्ट टाइम हम दोनों फादर सन का रोल कर रहे हैं फिल्म में. एंड बेसिकली क्या है, स्टोरी एक लड़के के बारे में है जो अपने फादर से बहुत टॉर्चर हुआ है. फादर ने बहुत उसे टॉर्चर किया यही टाइम की वजह से, कि टाइम पे काम करना चाहिए, टाइम की अहमियत को समझना चाहिए. और इस लड़के के दिमाग में वो इतना ट्रॉमा बैठ जाता है बचपन में, लेकिन वो बड़ा होकर नॉर्मल होता है, ऑफिस में काम करता है. शिवांगी जो रिशिता का कैरेक्टर है, उसको डेट, उसके साथ अफेयर होता है, और ऐसा कुछ एक इंसिडेंट होता है फिल्म में जहाँ पर ये अपना ये अपना आपा थोड़ा सा खो जाता है, ऑलमोस्ट होता है, और सैनिटी और इनसैनिटी के ब्रिंक पे बिल्कुल आया हुआ है. और उस चीज़ को अभी 30 मिनट्स टाइम की वैल्यू को लोगों को समझाने के लिए एक गेम खेलता है जिसका नाम है 30 मिनट्स. बहुत इंटरेस्टिंग है, डार्क फिल्म है, और आई थिंक मेरे हिसाब से ऑडियंसेस को पसंद आएगी क्योंकि ये थ्रिलर है एंड यू नो थोड़ी बहुत फास्ट पेस.
मेरा किरदार, जैसे हितेन ने कहा, कैरेक्टर का नाम शिवांगी है और आप समझ सकते हैं कि अगर एक ऐसा कैरेक्टर कोई पोर्ट्रे कर रहा है स्क्रीन पे, वो भी थोड़ा सा शेडेड है, ग्रेज, साइको है भी नहीं भी, क्यों है वो आप फिल्म देखेंगे, बट टू बी इन लव विद समबडी लाइक दिस, तो मुझ पर क्या बीतती है. एंड इट इज़ एक्चुअली, ये फिल्म है, इट बिकम्स अ मैटर ऑफ माई ओन लाइफ एंड डेथ. एंड क्योंकि थ्रिलर है, एक एजी फिल्म है, और 30 मिनट्स मतलब जैसे पंक्चुअलिटी की बात है या कोई भी वक्त को लेके हम जो बातें करते हैं, और स्पेशली जब कुछ इन्फोर्स किया जाता है किसी पर भी, जैसे कि अगर कोई नहीं चाहता है कि वो कुछ करे और उसको हम इन्फोर्स करते हैं, तो साइकोलॉजिकली या एक जहन में उनकी कैसे क्या वो उन पर बीत सकती है और क्या क्या हो सकता है ऐसे एक इंसान के साथ, तो कहानी बेसिकली वो है. और जहाँ तक मेरा किरदार है, मैं ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ क्योंकि जब फिल्म देखोगे तो आपको पहले लगेगा ये एक है या दो है, या दो है या एक है. तो मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर देखिए, थ्रिलर है तो सस्पेंस तो थोड़ा सा है भी और नहीं भी, बट इतना मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, इट्स अ वेरी गुड थ्रिलर टू हैव, क्योंकि बहुत कम थ्रिलर्स बनती हैं, स्पेशली जब हिंदी फिल्में, हम लोग अंग्रेजी फिल्में बहुत देखते हैं जहाँ पे थ्रिलर्स बनती है, सस्पेंस ड्रामास बनते हैं, कम बनते हैं. एंड यस, सो आई होप लोगों को और दर्शकों को ये कहानी भी पसंद आए और हमारा किरदार भी पसंद आए. अंदर जानुजा जी जो बहुत प्यारे प्यारे गाने गाए हैं, तो Yes, आपके जो दो गाने मूवी में हैं, कोई दो बोल दोनों गानों पे. मेरे दो गाने हैं और एक है आइटम जो है कुत्ते फेर, उसका पंचिंग लाइन है, और दूसरा रोमांटिक सॉन्ग है किनाल गांजा वाले के साथ, तो वो रोमांटिक मैं आपको दो लाइन सुना देती हूँ. जादू सचाया दिल तुझ पे आया, जादू सचाया दिल तुझ पे आया, हुआ खुद से पराया, दिल खो गया, दिल खो गया, लगता है मेरा दिल खो गया, दिल खो गया, दिल खो गया, हाय दिल मेरा कहीं खो गया. और एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि इस फिल्म से हम ऑडियंस को एक मैसेज देना चाहते हैं. एक मैसेज तो ये है कि टाइम की वैल्यू करना, और दूसरा ये है कि एज पेरेंट्स जब कोई भी अपने बच्चों को कुछ अपनी सोच या अपनी कुछ चीज़ समझाना चाहते हैं, तो फोर्स से एनफोर्स करके, डरा के, धमका के उनको नहीं करना चाहिए, बिकॉज यू नेवर नो आगे जाकर उस बच्चे की साइकोलॉजी पर क्या फ़र्क पड़ता है, उसके ब्रेन में क्या चलता है, क्या सोचता है. तो एक ये भी चीज़ हम मैसेज देना चाहते हैं कि अपने बच्चों को प्यार से जितना समझाएंगे वो बेटर है. पेंटल जी, बात करें जैसे 30 मिनट्स जो इस मूवी का टाइटल है, आपने एक मैसेज तो दे ही दिया. इस 30 मिनट्स में जब हम एक प्रेशर लेके चलते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ब्रेक भी होता है माइंड में, तो किस तरह से क्या कंटेंट लेकर मूवी आएगी? जी, कंटेंट इस फिल्म का ऐसा है कि ये एक्चुअली एक ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है, और जिस लड़के के साथ ये इंसिडेंट हुआ है उसको मैं मिल चुका हूँ, और तो हमने उसकी स्टोरी नहीं ली है, उसके इंसिडेंट्स लिए हैं कि उसकी लाइफ में क्या हुआ था, बट इसको एक बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी में बनाया गया है. और उसकी रियलिटी ये है कि उसके फादर का ये जो है कैरेक्टर, वो थोड़ा रियल है, ऑलमोस्ट रियल है. तो एक बहुत अच्छे से स्टोरी पिरो कर हम लोग ने एक बहुत बैलेंस्ड फिल्म बनाई है, कि लोग एक्सपेक्ट करें और देखेंगे कि हाउ द स्टोरी मूव्स, कि क्या एक चीज़ जो बचपन में हुई उसका आगे क्या रिपरकशन हुआ, हो लड़के के साथ क्या क्या लाइफ में हुआ. एंड यू नो, मैं क्योंकि ज़्यादा बोलूँगा ना तो एक थ्रिलर है, उसका पूरा मज़ा निकल जाएगा, फिर ऑडियंस देखने नहीं जाएगी तो क्या फ़ायदा है. रिश्ता जी, आपसे बात करें, बहुत बड़ी अदाकारा हैं, शाहरुख खान और सभी के साथ आप काम कर चुके हैं, आज हितेन के साथ भी आपने काम किया, तो क्या एक सिमिलैरिटी या क्या रह जाता है? ये इनकी खुशकिस्मती है. हाँ, मैंने हमेशा कहानी को बहुत ज़्यादा एम्फेसिस मैंने हमेशा दिया है, और लाइक यू सेड, आई बीन वेरी फॉर्चुनेट कि मैंने बहुत अच्छे एक्टरों के साथ काम किया है, फ्रॉम शाहरुख टू अभिषेक, रितेश, यस, नाना सर, तो ऑफ कोर्स आई हैव इमेंस रिस्पेक्ट, लास्ट ईयर अनु जी, ओम जी, आई बीन वेरी लकी. तो मेरे लिए अच्छा, जब मैं नहीं थी तो मेरे लिए तो और ज़्यादा वो मुझे
मुझे डर लगता था और इतने बेडरूम्स रहते हैं. सो मुझे हर एक के साथ काम करके बहुत मज़ा आता है, बिकॉज मैं अभी भी महसूस करती हूँ कि मैंने अभी शुरुआत की मेरे काम की. और मुझे यही एनर्जी हितेन में दिखती है, दैट ही हैज़ सो मच ऑफ एनर्जी एंड एंथुजियाज्म कि जब कोई सामने वाला आपका, एज एन एक्टर मैंने हमेशा ये बोला है एंड आई एम रिपीटिंग इट, दैट अगर आपका को स्टार अच्छा है तो ऑटोमेटिकली आपका भी काम अच्छा ही होता है. एंड इट्स अ गिव एंड टेक, सो आई ट्रूली एंजॉय उसकी तुम्हारी खुशी. आपको फैमिली में गोफी पेंटर जो आपके चाचा लगते हैं, ताया जी लगते हैं, और पेंटर सर काफी आपके जो हमारे बॉलीवुड के बड़े सितारे हैं, तो कितनी जैसे आप ऐसे पेरेंट्स अभी स्टोरी जो है पेरेंट्स के ऊपर आप बता रहे हैं बच्चे कैसा बनना चाहते हैं, तो क्या जैसे हमने आपके फादर के बारे में जानना चाहा था कि वो बॉलीवुड में जाना चाहते थे स्कूल से ही, तो पढ़ने में उनका थोड़ा कम इंटरेस्ट था, तो जब आप बड़े हुए तो क्या उस दौर में आपका क्या था कि आप भी बॉलीवुड में ही जाना चाहते? नहीं, एक्चुअली बचपन से डैड को देखा, शूटिंग में जाते थे हम लोग, मज़ा बहुत आता था देख के, बट मुझे कभी कैमरा के सामने नहीं आता. मैंने एनिमेशन एंड ग्राफिक्स किया, मैं एक साल एज एडिटर भी मैंने काम किया, तो मुझे कैमरा के पीछे क्रिएटिव फील्ड में जाना था. बट वो बोलते ना कि किस्मत होती है, तो जहाँ आपकी लिखी गई है वो आपको वहाँ ले जाती है. तो मैं एक्चुअली अमेरिका जाने वाला था, बट मुझे 5-6 महीने का गैप मिला, तो मेरे अंकल है किशोर नामक कपूर, वो जिनका एक्टिंग स्कूल है बहुत बड़ा, तो उन्होंने कहा यार टाइम पास करना ना, 5-6 महीने आ जाए ज्वाइन कर ले. वो जो मैंने ज्वाइन किया, और 2 हफ्ते बाद ऐसा कुछ पता नहीं क्या हुआ दिमाग में, मैंने कहा छोड़ो ये सब, मैं तो एक्टिंग ही करूँगा. तो वो एक किस्मत ले गई अंदर, तो ऐसे हुआ. उन्होंने जैसे काफी डिफरेंट रोल किए हैं, पेंटल सर ने सत्ते पे सत्ता हो गया, गुफी सर ने शकुनी का रोल हो, पेंटल सर ने भी शिखंडी का जैसे रोल, तो ऐसे आप डिफरेंट किरदार आपने सोचते हैं कि मेरे को भी ऐसे आगे जी बिल्कुल करना चाहूंगा. मैंने मेरी जो पहली भी पिक्चरें हैं जैसे बच रहे हसीनो है और रास्कल्स है, उसमें सब कॉमेडी रोल किया था. क्या होता है कभी आपको जिस टाइप का रोल आपको चाहिए ना, डिजायर्ड रोल, वो मिलता नहीं. ये फिल्म में मुझे मिला क्योंकि बहुत अलग कैरेक्टर है, बहुत मतलब इसमें कॉमेडी बिल्कुल मैंने नहीं की, कैरेक्टर में है हल्की सी बट लाइट हार्टेड नॉर्मल कॉमेडी है, बट काफी इंटेंस भी है, बहुत अलग चीज भी है इसमें. ऋषिता मैम काफी एक्सपीरियंस है, तो काफी आपका भारी पड़ेंगे. कुछ नहीं, मैं तो सीख रही थी. नहीं नहीं, जैसे ऋषिता ने भी बोला ना बहुत, कि एक जब एक्टर्स आपके को एक्टर अच्छे होते ना, तो वो एक इमीडिएट केमिस्ट्री और एक गिव एंड टेक जो होता है ना डायलॉग्स का, बहुत बहुत अच्छा होता है. तो मैं थोड़ा सा एक्चुअली पहले घबराया था, मैंने कहा ऋषिता है, अब पता नहीं क्या अगर मेरे से गलती होगी तो क्या होगा, बट लकीली शी इज अ वेरी नाइस गर्ल, तो तंग नहीं किया उन्होंने. चलिए ओके बाय.